ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने की भारत की तारीफ, बोले 1991 में अब तक काफी बदल चुका है देश। पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में रहेंगे, सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, बोली राहुल गांधी को देश निकाल कर फेंक देना चाहिए। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले, पीयूष मोडिया एडीजी जोन लखनऊ बनाए गए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, जहां दोपहर बाद 3 बजे से गीड़ा के सेक्टर 23 में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पुरस्कार वितरण भी मुख्यमंत्री योगी करेंगे। दूसरे दिन सोमवार को वह दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित विभिन्न सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इन परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। वह सोमवार की दोपहर 12 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचेंगे। औरैया जिले में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है, जहां आर्टिफिशियल ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ लोग सामान वापस करने आए थे। दुकानदार द्वारा सामान को जब वापस नहीं किया गया तो मारपीट की, और बाद में बदमाशों ने भरे बाजार में असलाहा के दम पर बीच बाजार में दहशत फैलाते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें एक लड़की सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये संकट मोचन मंदिर के पास जो लेडीज मार्केट लगता है, इसमें एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, अनमोल ज्वेलर्स, ये आकाश अच्छेदार की दुकान है। इस पर एक लड़की ने कुछ 1-1.5 महीने पहले आर्टिफिशियल सेट लिया था, वो अब उसको चेंज करना चाह रही थी। उसने दुकानदार से बोला कि इसे आप चेंज कर दीजिए। उन्होंने अभी जितना मैंने पूछताछ की, उन्होंने बताया कि मैम सस्ता सा आता है, 2 महीने बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमने मना कर दिया कि बेटा चेंज नहीं हो पाएगा। तो लड़की ने घर जाके अपने चाचा को बताया कि ये मेरा ऐसा सेट है, मुझे बदलना है। तो इसके चाचा ब्रजेंद्र सिंह, जो कि आर्मी में पोस्ट है। अंबेडकर नगर में बुनकरों के प्रोडक्ट के संबंध में डीएम ने जानकारी ली और बुनकरों ने जिला अधिकारी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसे जिला अधिकारी ने गंभीरता से लिया और कहा, बुनकरों की समस्याओं को जानने के लिए मैं यहां आया हूं और उनके समाधान का प्रयास करूंगा। जैसे बनारस की साड़ी और मऊ के कपड़े प्रसिद्ध हैं, उसी तरीके से हमारा प्रयास रहेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत टांडा का टेरिकाट कपड़े देश विदेश में अपने एक अलग पहचान बना सके, जिसके लिए जिला अधिकारी ने बुनकरों के साथ एक बैठक करके उनकी छोटी छोटी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का भरपूर प्रयास किया। और SDM टांडा, CO टांडा साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, सबके साथ हकानी हाट जो है, जहाँ पर कि बुनकरों के द्वारा अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स की थोक मंडी है, उसको निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। और एक मेरी एक कोशिश ये है कि मौके पर जाकर ही एक तो उनके प्रोडक्ट्स को देखूँ, जो उनकी समस्याएँ हैं उनको जानूँ, और जो इसका जो ये प्रोडक्शन करते हैं अपने घरों में पावर लूम के माध्यम से, उसको भी उनके, अभी मैं घरों में जा रहा हूं, उनके घरों में जाकर देखूंगा, समझूंगा। मेरी कोशिश ये है अपनी पूरी टीम के साथ यहां आने के लिए कि जो हमारे बुनकर साथी हैं उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और किस प्रकार से, जैसे अभी एक किसी ने कहा कि सब छोटी सी दुकान है, प्रयास रहेगा जिला प्रशासन की छोटी सी दुकान को उसकी इच्छाओं के अनुरूप, उसके ख्वाबों के अनुरूप, उसको बड़ी दुकान में कैसे हम तब्दील कर सकते हैं।
बिजनौर पुलिस को अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ठगी करने वाले एक महिला और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों पर प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने इनके पास से चार मोबाइल भी बरामद किए हैं। इनकी गिरफ्तारी से इस तरह के मामलों में कमी आने के कयास लगाए जा रहे हैं। गिरफ्तार एक अभियुक्त पर इस तरह के कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने दो नामजद सहित पांच पर मुकदमा दर्ज किया था। दिनों से थाना चांदपुर क्षेत्र में एक प्रेम जाल में फंसा कर अश्लील वीडियो बना करके और पैसा ऐंठने वाला गैंग सक्रिय था। जो है दिनांक 10 तारीख को अशरफ तनाप अमीनुद्दीन निवासी हल्दौर ने इस आशय की एक शिकायत किया। इनके तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की गई और चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें नसीम सनाब गफ्फार, शाहिद सैफुल और एक महिला, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से चार मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिसमें शाहिद का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। पूछताछ पर जानकारी। फरीदाबाद के खेल परिसर में सांसद खेल महोत्सव के दूसरे दिन जब दोपहर को खिलाड़ियों को खाना परोसा गया तो बड़ी लापरवाही सामने आई। खिलाड़ियों को परोसे गए चावल में कीड़े पाए गए, जिस पर खिलाड़ियों ने शिकायत की तो आनन फानन में खाने की टेबल से चावल को हटा दिया गया। खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि परोसा जा रहा खाना जहाँ कच्चा है वहाँ वह बेस्वाद भी है, यदि खाने में कीड़े निकलेंगे तो उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। लेकिन अब इस मामले पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। खिलाड़ियों के खाने में कीड़े पाए जाने का मामला अधिकारियों की बड़ी लापरवाही दर्शाता है। सुरारी थे किसमें? चावलों में। अच्छा, फिर आप लोगों ने उस शिकायत की किसी से? एक दीदी थी, उन्होंने चावल छाट के लिए थे। शिकायत की थी फिर उस खाने को हटा दिया गया। क्या किया गया उस खाने का? आपको दूसरा मिला खाना? नहीं मिला। कल कैसा था खाना? कल भी अच्छा था। कल भी खाना अच्छा नहीं था, मतलब यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। कल क्या उम्मीद है? अगर इस शिकायत जो इतनी बड़ी लापरवाही आई है तो क्या कल खाना आपको अच्छा मिल पाएगा लगता है? कल देखेंगे। तो हम जब खाने गए थे, हमारे पूरा ग्रुप गया था, तो उधर उसमें सुनहरी करके कुछ कंकड़ वंकड़ कीड़े मकोड़े थे वो मिले थे उसमें। कैसे पता चला था कि इसमें कीड़े हैं? उसमें एक बच्चा खा रहा था तो उसकी ध्यान चला गया था, उस पर खाते समय ऐसे चले गया था। तो क्या कहेंगे, इतनी बड़ी लापरवाही है कि इस तरह से प्रतियोगिता चल रही है बच्चों के लिए खाने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे वो पड़ सकता है, शरीर पे गलत प्रभाव पड़ेगा और देखना चाहिए प्रशासन को, कहीं ना कहीं लापरवाही है। यस सर जी, लापरवाही तो है जी। कच्चे चावल भी थे। किस चीज़ की प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर? इधर संसद खेल महोत्सव प्रतियोगिता चल रही है। उसी का जो खाना बच्चों के लिए बनाया था उस, हम ये पलवल जिला है उसका, ये कसावटी गांव, वहाँ से आए हैं। कौन से खिलाड़ी हो? हम वे 400 मीटर। अच्छा, एथलीट खिलाड़ी हो आप? हाँ। अच्छा, तो आज क्या हुआ खाने में, कोई शिकायत बताई जा रही है? वो हम जब खाना खाने गए, हमारा पूरा ग्रुप गया था खाना खाने, तो उधर वो लिए थे चावल जो कि वो कम पके हुए थे और वो सुनहरी नाम की कोई वो थी कीड़ी, मतलब कीड़ा वो आया था उसमें। अच्छा, हाँ। खाना की शिकायत नहीं की, मतलब लापरवाही जो सामने आई, उसके बाद खाना आपको दूसरा दिया गया या नहीं मिला? नहीं नहीं, वही खाना था सर। खाना वही? हम खाना खाने गए थे तो फिर चावल बिल्कुल कच्चे थे और जो दाल थी दाल में भी नमक बहुत कम था। अच्छा, कच्चे थे, उसमें कीड़े बताए जा रहे हैं? हाँ थे, लाइक कह सकते हैं कि कीड़े थे, क्योंकि वो इतने कच्चे थे कि खाए भी नहीं आ रहे थे। मतलब यहाँ जो सांसद खेल महोत्सव चल रहा है 3 दिवस का, लेकिन यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को खाना सही नहीं मिल रहा? हाँ, क्योंकि ये अब देखो कि खाना तो ठीक से देना चाहिए था, अब देखो खिलाड़ी इतनी मेहनत कर रहे हैं और नहीं, आप तो घर में भी ऐसा खाना नहीं खाओगे ना ये तो? हाँ, वो ही बात है कि इतनी मेहनत करके और फिर वो खाना खाने जा रहे हैं और फिर खाना भी ऐसा मिले तो ये तो गलत बात है ना, कि बिल्कुल अच्छा सा मिले खाना। आप खिलाड़ी हो, आपको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, और क्या क्या मिल रहा खाने में? हम तो ये बर्तन वर्तन पड़े हैं, इसके रखवाली करते हैं, इसकी चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, खाना जो खिलाड़ी जहाँ खेल महोत्सव हो रहा है, हाँ जी, उनके लिए खाना यही बनता है? यही बनता है जी, सब कुछ खाना, सब सारा खाना ये बनता है। कुछ बाहर से भी आता है? बन के आता है बाहर से? नहीं, सूखा चावल आता है। खाली बाहर से चावल आता है? कहाँ से आता है चावल? सब्जी सारा वहीं से आता है। कहाँ से? 15 सेक्टर से।
गुरुद्वारे से? गुरुद्वारे से। अच्छा, गुरुद्वारे से आ रहा है सारा? हाँ, कच्चा माल। कच्चा बाकी बनता यहीं पर है? बनता यहीं पर। ठीक है, तो आज भी यहाँ पर खाना बनाया गया, कल भी खाना बनाया गया था? कल बनाया गया था, आज भी बनाया गया, कल और फिर बनाया जाएगा। कल बनाया जाएगा? हाँ जी। तो आज जो चावल बनाए गए थे उसमें बता रहे बच्चे कीड़े निकले हैं? जहाँ हम लोग गर्ल्स वाले उसमें चावल में कुछ कीड़े निकले थे और चावल बहुत कच्चे थे। और खाने की कोई क्वालिटी के बारे में बात करें तो और कैसा खाना मिल रहा है? इतना अच्छा नहीं था, जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से मिलता है। और दूसरे चावलों में कीड़े निकल के आए, फिर शिकायत की तो फिर क्या किया, खाने का हटा दिया गया खाना? हमने तो कोई शिकायत नहीं करी, बाकी जो लड़कियां थी जिन्होंने खाना वहां से लिया था उन्होंने बहुत कुछ बोला था। हाँ, उन्होंने चाट के खाना वाना लिया था। तो खिलाड़ियों को यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को खाना मतलब आज सही नहीं मिला? हाँ, कीड़े निकले उसमें? कच्चे। कल कैसा था खाना? कल मतलब कल भी दाल बनी थी उसमें नमक नहीं था, मतलब कुछ अच्छे। हाँ, अच्छा नहीं था खाना। लखीमपुर खीरी के कोतवाली मैगलगंज के चपरतला गांव में 5 वर्षीय मासूम की शौचालय के निकट खेलते वक्त छत गिरने से दबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पिता ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने बेटे की जान ले ली। मृतक के परिजनों ने शौचालय के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक दीपक राय ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई साहब, ये ठेके से लेटरिंग बनी थी। किसने बनाई? प्रधान जी ने बनवाई थी। कौन है प्रधान? प्रधान सरवन कुमार। फिर? तो हमारा बच्चा खेल रहा था लेटरिंग में जी। फिर? बच्चा खेल रहा था उसमें लेटरिंग फंस गई। फंस गई मतलब गिर गई? हाँ, गिर गई। बच्चा उसमें दब गया, हमारा छत के नीचे गिर गया, दब गया। हाँ, तुरंत थोर चलो चला गया मतलब? खत्म हो गया, तुरंत ही खत्म हो गया। तो आप थाने भी तो आए थे अभी? हाँ, थाने आए थे साहब, एप्लीकेशन दिया है। किसके नाम दिया एप्लीकेशन? एप्लीकेशन दिया है प्रधान के द्वारा। नहीं, प्रधान के द्वारा, प्रधान पे या प्रधान? फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र घेर खोकल में 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर टुंडला और शिकोहाबाद से दमकल गाड़ियां और विधायक मनीष अस्तीजा मौके पर पहुंचे। फायर विभाग की 8 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग से करीब 15 लाख से अधिक नुकसान बताया गया। नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया जो क्षति हुई है उसको लेकर प्रशासन को सूचना दी है, मदद का पूरा प्रयास होगा। वहीं सीएफओ सत्येंद्र पांडे ने बताया तत्काल 2 फायर टेंडर बुलाकर आग को पाइपों के माध्यम से बुझाया गया है। यह घेर खोकल बहुत पुराना मोहल्ला है, यहाँ पर श्री शैलेश जैन, दीपक जैन ऐसे सब परिवार के लोग हैं। 3 मंजिला मकान था, उसमें जैसा अवगत हुआ है कि पुरुष सदस्य तो अपने व्यापारिक कामों से अपने अपने प्रतिष्ठानों पर थे, परिवार की महिलाएं किसी मंगल गायन कार्यक्रम में गई हुई थी, पीछे से इसमें शॉर्ट सर्किट से बिजली के आग लगी है। बहुत घनी आबादी है, मोहल्ले वालों के क्षेत्रीय निवासियों की तत्परता और फायर ब्रिगेड के सभी कर्मचारियों की तत्परता से आग तो काबू पा ली गई है, लेकिन हम सब। सर, थाना दक्षिण क्षेत्र में ये आग लगी है, किस तरह का मामला है और किस तरीके से काबू पाया गया? थाना दक्षिण के ये जूते वाली गली में आग की सूचना प्राप्त हुई और ये सूचना प्राप्त हुई कि रिहायशी मकान में आग है। तत्काल जो है 2 फायर टेंडर रवाना किया गया, क्योंकि यहाँ गाड़ी पहुँचने में थोड़ा सकरी गली है, इसलिए हॉज पाइप लगा करके और इसको आग को बुझाया जा रहा है रिहायशी आवास। अलीगढ़ के थाना कोरसी क्षेत्र के निषाद बाग इलाके में अज्ञात कारणों के चलते एक पेंट केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। पेंट केमिकल गोदाम के भीषण आग की लपटों को देख इलाके में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई, जिसके बाद मौके पर इकट्ठा हुए लोगों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की और पेंट गोदाम में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मचारियों ने पेंट गोदाम में लगी भीषण आग पर पानी की बौछार करते हुए घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि लाखों रुपए का सामान आग में जलकर राख हो गया।
में एक गोदाम है का मतलब लकड़ी का बात कर लियो का, उसमें आग लगी है और अभी तक जो फायर ब्रिगेड को करीब आधा एक घंटा हो गया फोन करे हुए, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। ये कौन सी कहलाई जाती है? ये निषाद बाग। गोदाम किस चीज़ का है ये? ये लकड़ी का मांस बल्ली का गोदाम और कुछ केमिकल मतलब जो होते हैं उसके ड्राम है, मतलब केमिकलों के ड्राम, उसमें आग लगी। पेंट का जो काम है, पेंट के जो केमिकल होते हैं एस्पिरेट वगैरह उसका। तो कितनी देर हो गई तक आग लगे हुए? तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया आग लगी। फायर ब्रिगेड को फोन किया? हाँ फोन किया, अभी तक नहीं आई है। जहाँ तक कि लाइट भी नहीं आ रही थी, लाइट वालों को अभी फोन करा तब लाइट आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद। देखने के लिए आया तो देख रहा हूँ, इसमें आग लगी थी, मोहल्ले वाले बुझाने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने बताया मोहल्ले वालों ने हमने पाइप लाइन को कॉल की है, तो कम से कम आज से पौन घंटे बाद एक घंटे बाद यहाँ आई है। तो किस तरह की आग लग रही थी? आग नीचे लगी हुई थी, पेंट के डिब्बों वगैरह में बुझाने का प्रयास कर रहे थे, बालू डाल रहा, पानी डाल रहा था, इस तरह की आग लग रही थी। किस चीज़ का गोदाम था ये? पेंट का गोदाम था। पेंट वेंट का गोदाम था, चाली बंदी की रखी रहती है। तो तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा आपका इसमें? एक अंदाजा तकरीबन 50,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।